हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवे दीतीमन। बहुत अच्छी जो है वो वैकेंसी आई है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ दोनों की। यदि आपने बीएड किया है तो टीचिंग स्टाफ के लिए आप लोग एप्लीकेशन कर पाएंगे। यदि आपने यहाँ पर बीएड नहीं किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो आप यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो सारी चीजें हम डिटेल में यहाँ पर ऑफिशियली जानेंगे। ये इसकी मेन वेबसाइट है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की। एप्लीकेशन कैसे करना है, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सारी चीजें हम यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देती हूँ। जैसे कि टीचिंग स्टाफ के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अलग है, जो कि इसी जो है मेन वेबसाइट पर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए आप लोगों को अलग जो है वो एप्लीकेशन करना पड़ेगा। अब जो है सारी चीजें हम डिटेल में देख लेते हैं। ये देखिए राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, तो एडवर्टीजमेंट फॉर हायरिंग ऑफ डिफरेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ रक्षा शक्ति विद्यालय। यहां पर आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी हर पोस्ट की। और एप्लीकेशन फॉर्म टीचिंग पोस्ट के लिए यहां पर आप लोगों को क्लिक करना है, और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहां पर आप लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए सबसे पहले टीचिंग पोस्ट की क्वालिफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। तो अब देखिए 3 पेजों की जो है ये पीडीएफ फाइल है। यहां पर नेम ऑफ पोस्ट है और आप लोगों को पेमेंट काफी अच्छा मिलेगा। इंग्लिश टीचर, गुजराती टीचर, मैथमेटिक टीचर, जनरल साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर टीचर, वार्डन, मैट्रन, ऑफिस सुपरिटेंडेंट और अकाउंटेंट क्लर्क, ठीक है। तो कुछ जो है यहाँ पर 3 पोस्ट जो है नॉन टीचिंग स्टाफ की है, बाकी सारी टीचिंग स्टाफ की है। सैलरी यहाँ पर टीचिंग स्टाफ में 38,000 जो है वो सभी सब्जेक्ट में मिलने वाली है, ठीक है। बाकी वार्डन मैट्रन की जो है यहाँ पर 38,000 है, और ऑफिस सुपरिटेंडेंट की 30,000 है, अकाउंटेंट और क्लर्क की 24,000 है। तो चलिए यहाँ पर जो है सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन देखेंगे। यदि आपकी क्वालिफिकेशन ये है तो आप जो है वो आगे वीडियो देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर कहा गया कि एमए अगर आप लोगों ने इंग्लिश से किया है मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, साथ में बीएड, बीएड जो है यहाँ पर टीचिंग स्टाफ में जो है वो सभी में मांगा गया है, ठीक है। अगर आपने एमए इंग्लिश से किया है 55% मार्क्स के साथ, बीएड किया है, और साथ में आपने टेट पेपर 2 पास किया है, सी टेट पेपर 2 पास किया है, या स्टेट टेट जो है वो आपने पास किया है, केवल टेट यहाँ पर लिखा है, ठीक है, तो सी टेट जो है यहाँ पर चलेगा। बाकी अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। ये जो है वो बिल्कुल कंपलसरी होना चाहिए कि एमए जो है वो आपने इंग्लिश से 55% मार्क्स के साथ, और साथ में बीएड और टेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए इंग्लिश टीचर के लिए। इसी तरीके से गुजराती टीचर, मैथमेटिक, जनरल साइंस टीचर, सोशल साइंस, सोशल साइंस में लिखा है इन्होंने कि एमए जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इसमें आपने 55% मार्क्स के साथ किया हो, बीएड किया हो आपने, और टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2 जो है वो आपका पास होना चाहिए। अभी स्टूडेंट जो है वो पूछते हैं कि यहाँ पर जो है वो कौन सा टेट जो है वो चलेगा, तो यहाँ सी टेट भी चलेगा, और गुजरात से ये वैकेंसी है तो गुजरात टेट भी जो है यहाँ पर चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो टेट 2 जो है वो पास मांगा गया है। नेक्स्ट जो है वो कंप्यूटर टीचर के लिए भी जो है यहाँ पर बीएड मांगा गया है, ठीक है। जैसे कि केवीएस है, एनवीएस है, यहाँ पर कंप्यूटर टीचर के लिए बीएड जो है वो कंपलसरी नहीं होता है, बट इन्होंने कहा है कि मास्टर डिग्री के साथ कंप्यूटर साइंस बीटेक बीई, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से अगर आपने किया है 55% मार्क्स के साथ, तो साथ में बीएड आपने किया है, टेट भी जो है वो मांगा गया है पेपर 2, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपका जो है यहाँ पर एक्सपीरियंस है कंप्यूटर लैब में जो है वो आपका काम करने का 6th to 10th इन सीबीएसई करिकुलम, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर प्रेफरेंस जो है वो दी जाएगी। वार्डन एंड मैट्रोन की जो वैकेंसी है यहाँ पर ग्रेजुएट, किसी भी स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन की है 55% मार्क्स के साथ, बीपीएड किया है, तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपने ग्रेजुएट 55% मार्क्स के साथ जो है वो किसी भी स्ट्रीम से किया है, और आपको एमएस ऑफिस का ज्ञान है, नॉलेज है आप लोगों को, तो यहाँ पर ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। अकाउंट क्लर्क के लिए यहाँ पर भी जो है कोई भी ग्रेजुएट स्टूडेंट 55% मार्क्स और साथ में बीकॉम। तो अभी जो है मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी हैं, क्वालिफिकेशन मैंने आप लोगों को बता दी है। यहाँ पर जो है एड्रेस जो है वो ये रहेगा इसका, गांधीनगर गुजरात से ये वैकेंसी आई है। इसी तरीके से और भी वैकेंसी जो है वो आएंगी तो वो सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है ये चीज जो है वो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। अब जो है वो कैसे एप्लीकेशन करनी है तो ये चीज भी यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखी गई है। आप लोगों को RRU की वेबसाइट जो है जिसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां आप चेक कर सकते हैं। कैंडिडेट हैव टू डाउनलोड कर लेना है आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखा दिया था। कैंडिडेट मस्ट रजिस्टर्ड करना है आप लोगों को गूगल फॉर्म एट द फॉलोइंग लिंक लेटेस्ट बाय 14 अगस्त, 14 अगस्त से पहले ही कर लेना है। यदि नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ लास्ट डेट भी लिखी है, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 18 अगस्त, तो 18 अगस्त तक तो कर ही दें,
ठीक है, ये जो है अगर इस लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को गूगल फॉर्म मिल जाएगा। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द ऑनलाइन या इन पर्सन इंटरव्यू आफ्टर अ ड्यू स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेशन। कोई एग्जाम नहीं होगा आप लोगों का, यहाँ पर जो है वो शॉर्टलिस्टेड करेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन जो है वो सही रहती है जिस तरीके से इन्होंने डिमांड की है, तो आप लोगों को यहाँ पर जो है इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा या आप लोगों को ऑनलाइन जो है ईमेल के द्वारा आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, तो इसकी जो मेन वेबसाइट है, मैंने सारी चीजें आप लोगों को पहले ही बता दी कि इसकी जो मेन वेबसाइट है इस पर आप लोगों को यहां करियर सेक्शन जो है इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। ठीक है, ये करियर सेक्शन पर आप लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है यहां पर एडवर्टाइजमेंट फॉर हायरिंग और डिफरेंट टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट ऑफ रक्षा शक्ति विद्यालय, यहां पर ही आ गया। ठीक है, इस पर जो है वो आप लोगों को जाना है। फिर जो है आप लोगों के सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि 3 पेजों की है मैंने आपको दिखा दी है। एप्लीकेशन फॉर्म टीचिंग पोस्ट के लिए करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। काफी अच्छी सैलरी के साथ जो है यहाँ पर आप लोगों को रखा जाएगा, एज जो है यहाँ पर नहीं दी गई है। तो चलिए ऐसे ही जैसे ही वैकेंसी जो है वो और भी आती हैं और भी स्टेट से आती हैं तो वो बिल्कुल मैं लेकर आऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।